वसई विरार में रहते हैं और आप भी पैकेट वाला दूध इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि अब दूध बेचने वाली कंपनियां कर रही हैं आपके और आपके परिवार के जीवन के साथ खिलवाड़। मामला है विरार पूर्व चंदनसार रोड कातकरी पाड़ा का, जहां रोज की तरह ज्ञानदेव खरे नाम के शख्स गुरुवार की सुबह गुड मॉर्निंग कंपनी का दूध 1 लीटर पैकेट खरीदते हैं और घर ले जाते हैं। लेकिन घर जाने के बाद ज्ञानदेव खरे उस वक्त चौंक जाते हैं जब दूध के पैकेट के अंदर काले रंग का तैरता हुआ कॉकरोच मिलता है, जिसके बाद ज्ञानदेव खरे दुकानदार की मदद से दूध वितरण एजेंसी से बात करते हैं। लेकिन बात करने के बाद भी कोई सही उत्तर प्राप्त नहीं होता, जिसके बाद ज्ञानदेव खरे ने इस सारी घटना की शिकायत थाने खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त परमेश्वर सिंह दवाद से किया, जिसके बाद कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन ज्ञानदेव खरे को दिया गया। गुड मॉर्निंग कंपनी वसई विरार में लाखों लीटर दूध हर रोज बेचती है। कंपनी के इस लापरवाही से लाखों लोग बीमार हो सकते हैं, लाखों लोगों की जान जा सकती है। प्रशासन को जल्द से जल्द गुड मॉर्निंग कंपनी पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक्सपायरी डेट इसका 25 नवंबर है, आज का 24 नवंबर है 2022, यहाँ पे है। ये ग्रुप्स ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट आहे, मिल्क आहे, दूध आहे, तर हे दररोज मी 1 लिटर घेत असतो डिस्ट्रीब्युटर कडनं, जो स्थानिक डिस्ट्रीब्युटर आहे चंदन सर त्यांच्याकडनं। आणि ह्या दुधामध्ये अक्षरशः झुरळ निघालेली आहे, जो अजून पॅकेज आहे जो आहे पॉकेट आम्ही फोडलेलं नाही आहे, तरी पण याच्यामध्ये आपण बघू शकता की झुरळ तुम्हाला दिसेल याच्यामध्ये। तर अशा प्रकारचं दूध जे आहे, म्हणजे दूषित दूध किंवा अशा प्रकारचे कीटक असलेलं दूध जर प्राशन केलं कोणी, तर त्यामुळे मोठ्या बिमाऱ्या होऊ शकतात किंवा कोणी आजारी पडून मृत्यू पण होऊ शकतो। त्यामुळे अशा कंपनीला सील, तात्काळ सील करण्यात यावे अशी माझी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाला विनंती आहे। दिनांक एक्सपायर झालेली आहे का सर? हा बघा, याच्यावर दिनांक एक्सपायरी डेट आहे उद्याची, म्हणजे आज 24 नोव्हेंबर आहे, 25 नोव्हेंबर 2022 एक्सपायरी डेट।